आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर की झोपड़पट्टी में कोरोना की रोकथाम और उसकी जांच के लिए बनाए गए टेस्टिंग किट की कैसे पैकेजिंग की जाती है, इसकी खबर इन 24 न्यूज के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुंचाई गई। आज इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। उल्लासनगर महापालिका प्रशासन और पुलिस की टीम ने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले संत ज्ञानेश्वर नगर के उन झोपड़ों में छापा मारा जहां न कोई साफ सफाई थी और न ही किसी प्रकार की कोई जवाबदेही। बड़ी लापरवाही के साथ कोरोना टेस्टिंग के लिए बनाए गए किट की यहां पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने यहां पहुंचकर सारी सामग्रियों को जब्त कर लिया। वहीं जिस ठेकेदार ने झुग्गी वासियों को कोरोना की टेस्टिंग के लिए बनाए गए किट की पैकेजिंग का काम दिया था, उस ठेकेदार के ऑफिस को भी पालिका प्रशासन और पुलिस ने सील कर दिया है। देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर कैंप 2 संत ज्ञानेश्वर नगर के अंदर कुछ घर मकानों में इस प्रकार का एक आर्टिफिशियल टेस्ट किट के अंदर जो ये रहता है अपना स्ट्रिप जो स्वैब लेने का, इस स्वरूप कुछ चीज बनाने का काम करने का वीडियो वायरल हुआ, ये बात सच है। उसके वीडियो वायरल होते हुए ही हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के वैद्यकीय आरोग्य विभाग के कुछ अधिकारी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने वहाँ पर विजिट दी और प्राथमिकता की तौर से पहले ये मद्देनज़र आया क्योंकि वहाँ पे ऐसे इस तरीके से काम कोई एक व्यापारी ने उनको दिया है कुछ उस तहत आगे अन्न और औषध प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग क्या उचित कार्यवाही करेंगे, कैसे करेंगे, उनके स्तर पर वो अपने